देखिए मैं अभी देहरादून में हूँ, बिल्कुल मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस जो ऑफिस है उसके सामने खड़ा हूँ मैं। और इतना बड़ा नाला यहाँ पर चला, मुश्किल से देहरादून में हूँ, उत्तराखंड की कैपिटल, मुश्किल से आधा घंटे बारिश हुई। अरे देखिए नाले, बिल्कुल नाले जाम सा जैसे हालत होने लग गया, ऐसे लग रहा मानो कहीं बादल फट गया हो। और देखते उत्तराखंड के जो हालात हैं इस तरीके से बने हुए हैं, कई बादल फट रहे हैं, जैसे अभी पहाड़ में उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में 2-3 जगह पर बादल फटे हैं। और इसके बाद हम देहरादून पहुँचे क्लाइमेट को लेकर के, और जो मिनिस्ट्री का ऑफिस है उसके अंदर मैं जाने वाला हूँ और पता कर रहा हूँ कि आखिर जब इस तरीके से हालात मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के आगे है तो औरों का क्या हाल होगा। पूरे देहरादून में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है, ये देखिए आप, पूरा सड़क जाम जैसे हालात चालू हो गए हैं, ये देखिए आप। बिल्कुल अभी देहरादून में हूँ, मिनिस्ट्री ऑफिस के सामने देहरादून में, ये देखिए। और ये देखिए मैं अभी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के सामने खड़ा हूँ गेट में और जाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये देखिए मैं अभी देहरादून में हूँ, बिल्कुल मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के सामने हूँ। और उसमें ये हालत है कि वहाँ पर बिल्कुल मानो ऐसा लग रहा कि कोई बादल फट गया हो और वहाँ भी जाना नामुमकिन है। बिल्कुल गेट के सामने हूँ, कोशिश कर रहा हूँ मैं जाने की कि क्या इस तरीके से यदि उत्तराखंड में जो मिनिस्ट्री जिसके लिए बनाई गई है जब उसके सामने इतने बुरे हाल हैं तो क्या हाल है देहरादून में। पूरे देहरादून में अभी बारिश हुई है, मुश्किल से आधा घंटा से बारिश हो रही है और इतने बुरे हाल है कि जाम जैसे हालात होने लगे। ये देखिए आप चारों तरफ लोगों का और गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियों से लेकर छोटे बाइक तक पूरी तरीके से जाम जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। तो क्या बोला जाए, यह है सरकार की व्यवस्था। सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट है, स्टेट में बीजेपी गवर्नमेंट है, तो क्या समझा जाए। इस तरीके से जनता ने वोट दी है तो क्या कुछ चेंजिंग हो पाएगा आने वाले दिनों में। बरसात के दिन लगातार, बिल्कुल मनोज खरे के साथ महेश बोगड़ा, एनए न्यूज़ के लिए, दिल्ली क्राइम प्रेस के लिए, पूरे देहरादून मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट के सामने खड़ा हूँ मैं। देखिए हालात ये बुरे हाल, और अभी मानसून और बारिश का दिन चालू होने वाला है तो क्या आने वाले टाइम में क्या कुछ इम्प्रूव मिलेगा। ये है सरकार की व्यवस्था है, ये है महानगर देहरादून के हालात। पूरे मैं जहाँ पर खड़ा हूँ उस ऑफिस के सामने, इसके अलावा मेरे बाईं तरफ है तिब्बतन मार्केट पड़ता है और पवेलियन ग्राउंड है मेरे सामने, वो भी पूरी तरीके से पानी से भर गया है, ऐसे लग रहा मानो कि जिस तरीके से बादल फट गए हों। मैं ले चलता हूँ आपको अब आगे की तरफ और देहरादून के एरिया से मैं आपको रूबरू कराने वाला हूँ किस तरीके से देहरादून में हालात बने हुए हैं।